हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा नर्सरी प्लांट्स फॉर यू में। दोस्तों, बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में आप चाहे जिस प्रकार के पौधे लगाइए वो सभी पौधे लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ पौधे जो हमें बारिश के मौसम में लगाने चाहिए, जो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे पौधे भी बताएंगे जो बारिश के मौसम पर नहीं लगाने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको घर के बाहर इस समय सीजन पे अगर आपको छांव के लिए पौधे लगाने हैं तो ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इसमें आपको जैसे कि घर के बाहर लगाते हैं तो उसमें पानी वगैरह देने में दिक्कत होती है, तो आप जो है इस समय सबसे अच्छा समय है, आप घर के बाहर उन पौधों को लगा सकते हैं। तो पहला पौधा दोस्तों ये हमारे सामने है, ये है मदीने का पौधा। अगर आपको घर के बाहर छांव के लिए चाहिए तो आप मदीने का पौधा लगा दीजिए, और ये पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, बहुत ही जल्दी बड़ा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको घर से कुछ दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी है तभी लगाइए, और वहाँ पे ज़्यादा आपका घर पास पे ना हो। और दूसरा पौधा दोस्तों ये है बकाया नीम, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पौधा भी बहुत जल्दी तैयार होता है, और इस पौधे में आपको जिस शेप में चाहिए आप इसको कटिंग करके उस शेप में कर सकते हैं, जैसे कि गुलाई पर करना है तो गुलाई पर कर सकते हैं, और घर ना करना चाहते तो घरने पर। और दोस्तों फिर आप चाहें तो फूल देने के साथ अगर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लगा सकते हैं कनेर का पौधा। ये देखिए दोस्तों, कनेर का पौधा भी आपको फूल के साथ साथ छांव भी देगा। इसमें आपको सफ़ेद और येलो कलर का, पीले कलर का आप कनेर लगा सकते हैं। ये पौधा भी आपका जल्दी तैयार होगा और साथ में फूल देगा। वैसे आपको मदीने के पौधे में भी फूल मिलता है, लेकिन ये पौधा बड़ा होता है और ये कनेर आपका नॉर्मल साइज़ पे रहेगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो बादाम का पौधा लगा सकते हैं दोस्तों, बादाम का पौधा देख सकते हैं दोस्तों। ये बारिश के मौसम में, ये जितने भी बड़े पौधे होते हैं आप बारिश के मौसम पे ही लगाइए, बारिश के मौसम में बड़े पौधे बहुत ही जल्दी लग जाते हैं और कभी भी मरने का चांसेस नहीं होता कि पौधा नहीं लगेगा हमारा, ये देख सकते हैं दोस्तों। और भी ऐसे कई सारे पौधे हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ पौधे हैं जो आप फिर उसके बाद देखिए, चितवन अगर आप लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं, और फिर आप चाहें तो कढ़ी पत्ता लगा सकते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी ऐसे अशोक नीम, ये देखिए दोस्तों ये रहा अशोक का पौधा। आप चाहें तो अशोक का पौधा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये धीमा बढ़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों यह है इमली का पौधा, इमली का पौधा बहुत बड़ा होता है, तो ये गार्डन ग्राउंड वगैरह पे लगा सकते हैं। और अगर आपको फल के साथ भी लगाना हो तो आप नींबू लगा सकते हैं, ये जो मैंने बताया कि कड़ी पत्ता, ये दोस्तों कड़ी पत्ता है, इसको भी आप लगा सकते हैं, बड़ा पौधा ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल साइज़ पर रहेगा। और अगर आपको पत्तियों के साथ चाहिए तो आप ये मेहंदी का पौधा लगा सकते हैं, जो आप मेहंदी लगाते हैं उस मेहंदी का उपयोग भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ पौधे थे जो आप बारिश के मौसम में आप लगा सकते हैं, और मैं अपनी अगली वीडियो पे आपको कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो बारिश के मौसम पे लगा तो सकते हैं लेकिन उसमें केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा हो जाता है तो पौधे सड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।